26 जनवरी से पहले दिल्ली नोएडा बॉर्डर से दो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस, पश्चिम बंगाल एटीएस और आईबी के ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश का रहने वाला रक्तुल्ला दिल्ली समेत कई शहरों में धमाकों की रच रहा था साजिश। रक्तुल्ला के साथ सहारनपुर के देवबंद इलाके का रहने वाला अब्दुल अजीज भी गिरफ्तार। रक्तुल्ला को अब्दुल अजीज को सौंपना था लैपटॉप। यूपी में शर्मसार हुई खाकी। बदायूं में दो सिपाहियों पर एक नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप का आरोप। आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज लेकिन दोनों फरार। 14 साल की लड़की के मुताबिक 31 दिसंबर की रात दो सिपाहियों ने घर के पास से जबरन कार में बिठाया, फिर थाने में बने क्वार्टर में ले जाकर किया गैंगरेप। यूपी में फिल्म पीके को टैक्स फ्री करने का बजरंग दल ने किया विरोध। गोंडा में प्रदेश सरकार का पुतला फूका। यूपी के गोरखपुर में भी फिल्म पीके का जमकर विरोध। प्रदर्शनकारियों ने की फिल्म पर बैन लगाने की मांग। दिल्ली में भी आमिर की फिल्म पीके का विरोध जारी। दिल्ली के नेहरू प्लेस वीएचपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 24 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पिछली बार जीतने वाले सभी नेताओं को टिकट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगानंद शास्त्री का कटा टिकट। पार्टी ने बहरौली से शास्त्री की जगह सतबीर सिंह को बनाया उम्मीदवार। दिल्ली की जनता का जो ठीक है कोई गुस्सा था तो वो तो उतर चुका है। अब तो कांग्रेस जो है वो इस तरह से अपना उतरेगी पूरा एग्रेसिव होके, पूरा हमारे जो वार है वो सीधे सीधे जो भाजपा के ऊपर और आपका जो है आम आदमी पार्टी पर रहेगा। सूत्रों की खबर, शीला दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने शीला दीक्षित का नाम फाइनल किया लेकिन शीला कैंप अजय माकन को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे बीजेपी। चुनाव में बैनर, पोस्टर और विज्ञापनों में सिर्फ मोदी नजर आएंगे। आज पार्टी लॉन्च करेगी 28 स्पेशल वीडियो रथ। वीडियो रथ के जरिए 10 जनवरी को रामलीला मैदान में मोदी की रैली के लिए प्रचार। पूरे देश में जिस प्रकार से मोदी जी का हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारे सेनापति एक ही हो सकते हैं, दो दो लोग नहीं हो सकते। मोदी जी हमारे सेनापति हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश में सभी राज्यों में चुनाव लड़ा जा रहा है और उसमें दिल्ली अछूती नहीं है। जम्मू कश्मीर में जारी सस्पेंस के बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान। कहा बीजेपी के बिना नहीं बनेगी कोई सरकार। भारतीय जनता पार्टी हैज केप्ट ऑल इट्स ऑप्शंस ओपन। वी आर स्टिल लुकिंग इनटू द ऑप्शंस। आज से अहमदाबाद में आरएसएस का कार्यकर्ता शिविर। प्रधानमंत्री मोदी और संजय जोशी को भी भेजा गया न्योता। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज करेंगे कार्यक्रम का आगाज। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में 2.5 लाख कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने मोदी सरकार की कैंपेन का हिस्सा बनने की खबर को किया खारिज। ट्विटर पर मीडिया में चल रही खबर को बताया गलत। बीजेपी के केंद्रीय दल ने सिलीगुड़ी जाकर असम नरसंहार पीड़ितों से की मुलाकात। राहत शिविरों में रह रहे लोगों से की बात। महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री गिरीश महाजन का एनसीपी पर पलटवार। कहा मेरे साथ पूर्व सिंचाई मंत्री अजीत पवार और सुनील तटकरे का भी हो नार्को टेस्ट। नए साल पर कोलकाता में पति के साथ बाइक पर जा रही महिला के साथ छेड़खानी। शराब के नशे में बदमाशों ने अगवा करने की भी की कोशिश। न्यू टाउन एरिया में दंपति का 6 से 7 बदमाशों ने जबरन रोका रास्ता। पत्नी से छेड़खानी, पति के साथ की मारपीट। हरियाणा के सिरसा में पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन के जरिए लिंग जांच करने वाले गैंग का पर्दाफाश। 9 लोग गिरफ्तार। गुप्तचर विभाग की मदद से सीआईडी ने की थी छापेमारी। गाड़ी में लगी धूल जांच करने वाली मशीन भी जब्त की।
कानपुर में चोरों का आतंक, पूरे एटीएम मशीन को अपने साथ उखाड़ कर ले गए चोर। सीसीटीवी के जरिए चोरों का सुराग ढूंढने में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में हॉरर किलिंग का मामला, दलित लड़के से प्रेम संबंधों के कारण पिता ने की बेटी की हत्या, आरोपी पिता ने पुलिस के सामने कबूला गुनाह। गुजरात के वलसाड में लव जिहाद का मामला, मुस्लिम युवक पर धर्म छिपाकर एक हिंदू युवती से शादी रचाने का आरोप। पीड़ित युवती के मुताबिक देवेंद्र नाम के युवक से रचाई थी शादी, बाद में पता चला उसका असली नाम इमरान शेख है, आरोपी पहले से शादीशुदा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुजरात के राजकोट में 62 साल के बुजुर्ग पर 2 बच्चियों के साथ छेड़खानी का आरोप, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के रजौरी गार्डन में एक चिटफंड कंपनी पर लोगों को करोड़ों का चूना लगाने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड के चेयरमैन का कर्मचारियों को फरमान, 80% बसें सड़कों पर नहीं चली तो पगार नहीं, पीएमपीएमएल के पास 2100 बसें लेकिन 66% ही सेवा में। पैसे की कमी के कारण अब नहीं रुकेगा इलाज, स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस मिशन का तैयार किया गया खाका, मुफ्त में दी जाने वाली 287 आवश्यक दवाओं की सूची बनकर तैयार, कैबिनेट की हरी झंडी का इंतजार। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर मैसूर की सिल्क शॉल ओढ़ेंगे ओबामा, राष्ट्रपति भवन ने 50 सिल्क शॉल ऑर्डर किए। इस बार रिपब्लिक डे परेड पर अमेरिकी राष्ट्रपति हैं मुख्य अतिथि, स्पेशल गिफ्ट के तौर पर उन्हें भेंट की जाएगी मैसूर सिल्क की शॉल। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बूंदाबांदी, बारिश के कारण तापमान में आ सकती है गिरावट। टीम के साथ सिद्धि पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी लेकिन टेस्ट से संन्यास पर उनकी चुप्पी बरकरार। सिद्धि में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबट ने टीम इंडिया को चाय पर बुलाया लेकिन धोनी टीम के साथ नहीं। टीम इंडिया के डायरेक्टर रवि शास्त्री को भी धोनी के संन्यास की नहीं लगी भनक, कहा मुझे लगता है उन्होंने अपने परिवार को भी नहीं बताया होगा। विराट कोहली के कप्तान बनने के बाद अब उप कप्तान की तलाश, सूत्रों के मुताबिक अश्विन और अजिंक्य रहाणे रेस में। सूत्रों के मुताबिक टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री की फीडबैक पर मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल लेंगे फैसला। इंडोनेशिया के गोताखोर हादसे का शिकार एयर एशिया प्लेन के मलबे तक पहुंचने की तैयारी में, मौसम ठीक होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी। मिस्र की सर्वोच्च अदालत ने अल जजीरा चैनल के 3 पत्रकारों को हुई जेल की सजा को रद्द किया, दोबारा सुनवाई का दिया आदेश। तुर्की के इस्तांबुल प्रधानमंत्री के दफ्तर के पास से पुलिस पर एक शख्स ने फेंका बम, ऑटोमेटिक हथियार के साथ पकड़ा गया। लंदन में न्यू ईयर परेड देखते हैं हजारों की संख्या में जुटे लोग, 8,500 से ज्यादा कलाकारों ने लिया हिस्सा। यूक्रेन की राजधानी कीव में लोगों ने अपने हीरो स्टीफन बैंडेरा के 106वें जन्मदिन पर निकाला मोर्चा, बैनर और ड्रम के साथ सड़कों पर उतरे।